नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। छत्तीसगढ़ में धान पर सियासत दिनों दिन तेज होती जा रही है। भूपेश सरकार 2500 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अनुमति के साथ सेंट्रल पूल में 32 लाख मैट्रिक टन चावल खरीदने की मांग केंद्र सरकार से कर रही है, लेकिन केंद्र ने राज्य सरकार की इस मांग को खारिज कर दिया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में सरकार किसानों के साथ लाव लश्कर लेकर दिल्ली कूच करेगी। वहीं बघेल सरकार के दिल्ली कूच करने पर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने पलटवार करते हुए भूपेश सरकार पर किसानों से वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। कांग्रेस सरकार के दिल्ली कूच के जवाब में बीजेपी जेल भरो आंदोलन करके इसका विरोध करेगी। ऐसे में आज चर्चा धान पर घमासान के इसी मुद्दे पर। छत्तीसगढ़ की सियासत में धान खरीदी हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है, और तब भी जब राज्य में बीजेपी की सरकार थी और अब भी जब सूबे में सरकार कांग्रेस के हाथों में है। दरअसल 2500 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदे जाने और सेंट्रल पूल में 32 लाख मैट्रिक टन चावल खरीदने के भूपेश सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया है, जिसके बाद से छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी पार्टी ने दिल्ली कूच की रणनीति बनाई, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने भी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करने से पहले आपको दिखाते हैं अपनी खास रिपोर्ट। भूपेश सरकार के दिल्ली कूच के जवाब में भाजपा प्रदेश भर में आंदोलन करेगी, जिसके तहत 10 नवंबर को प्रदेश भर में भाजपा मंडल स्तर पर प्रदर्शन करेगी और कांग्रेस का घोषणा पत्र भी जलाएगी। इसके साथ ही 13 जुलाई को जेल भरो आंदोलन करने का फैसला भी पार्टी ने लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि किसानों के हित के लिए भाजपा ने बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में धान खरीदी 2500 रुपए में करने का वादा किया था, जबकि चना का समर्थन मूल्य 4900 रुपए करने का और गन्ने का 355 करने की बात की थी, लेकिन भूपेश सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। घोषणा पत्र में आपने छत्तीसगढ़ के किसानों को कहा है कि हम पूरे 5 साल 2500 रुपया में धान खरीदी करेंगे, और एक वादा शायद उनके दिमाग से उतर गया है जिसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर छत्तीसगढ़ के आम जनता और किसान के मन में बैठा हुआ है। 2 साल का बोनस कहाँ गया, वो तो उनके मेमोरी से विलुप्त होता जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि किसानों के भी याददाश्त से उसको लुप्त करना चाहते हैं कि 2 साल का बोनस भी देना है मेरे भाई। इधर कांग्रेस ने बीजेपी के प्रदर्शन पर पलटवार करते हुए कहा कि रमन सिंह कांग्रेस की घोषणा पत्र को ध्यान से पढ़े। हम कांग्रेसी अपने घोषणा पत्र को साथ रखते हैं तथा पढ़ते भी हैं। भूपेश सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों को तय समय में पूरा किया और आगे भी किया जाएगा। इस जन घोषणा पत्र को कांग्रेस के सारे नेता और पूरी सरकार लगातार अपने साथ रखती है। जो समयबद्ध वादे किए गए थे सारे वादे समय पे पूरे। 2 साल बोनस का बकाया किसके समय का है? रमन सिंह जी के समय का है। उस बोनस के बकाए की राशि जिसको रमन सिंह जी ने नहीं दिया, भाजपा की सरकार ने किसानों से वादा खिलाफी की, उस बकाया राशि को कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है हम किसानों को किस्तों में वह राशि देंगे। बहरहाल धान पर तेज होती सियासत कहा जाकर खत्म होगी ये कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि सियासत की आंच दूर तक महसूस की जा सकती है। रायपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर स्टूडियो में जुड़ गए हैं सुरेंद्र शर्मा जी, हैं कांग्रेस प्रवक्ता, हैं बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और निश्चय वाजपेयी जी हैं सामाजिक कार्यकर्ता। तीनों लोगों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से बाबूलाल जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा कि जिस तरीके से अभी उठा पटक का दौर, अब तक तो ये दिल्ली कूच करने की बात हो रही थी, अब बीजेपी भी कूद पड़ी है कि हम भी भाई बिल जलाएंगे और जेल भरो आंदोलन करेंगे। अब इस तरीके से या बीजेपी कुछ करे या कांग्रेस कुछ करे, उन्होंने केंद्र पर टाल दिया, बीजेपी राज्य पर टाल रही है, किसान पिस रहा है, तारीख बढ़ाई जा रही है, कैसे किसान कैसे वहां का संपन्न होगा जबकि 80% वहां पर किसान है। सब लोग जो हैं, दोनों दल जो हैं, वो किसान को एक तरफ खड़े करके और अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। ये बड़ा साफ बात है। राजनीति इस तरह की है कि भूपेश बघेल ने तो अपना वादा पूरा किया है, 2500 रुपए में धान खरीदा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इस साल भी खरीदने को उन्होंने कहा है कि मैं खरीदूंगा, 2500 में ही खरीदूंगा, केंद्र पैसा दे या न दे,
उस केंद्र को पैसा लेने के लिए वो दबाव बनाने की राजनीति चला रहे हैं। और निश्चित रूप से जो है, जब दो साल आपने शिथिल किया है रमन सिंह सरकार के समय में, तो इस बार क्यों शिथिल नहीं करेंगे? किसानों का मामला है, आप किसान समर्थक बताते हैं अपनी सरकार को, आपके डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी हमेशा जो है किसान समर्थक सरकार कहा है और हम किसानों के साथ खड़े हुए कहा है, फिर आज एक तकलीफ क्यों दे रहे हैं कि भाई आज हम नहीं करेंगे कुछ भी, हम नहीं खरीदेंगे धान। जब तक धान खरीदी नहीं होगी, केंद्र का ये सहयोग नहीं होगा धान खरीदने का, तो आखिर कर्ज में ले लेकर कब तक खरीदेंगे धान? ये भी राजनीति का पक्ष है, ये राजनीति खेल रही भारतीय जनता पार्टी। अब समझना इसी बात के लिए है कि आखिर ये राजनीति इनकी कहाँ तक जाएगी और ये किसान आखिर में कहाँ खड़े होगा। अभी फिलहाल तो दोनों पार्टियां किसान को किनारे कर रही है, अब ये जेल भरेंगे किस बात के लिए भरेंगे? अब आप 2500 रुपए धान के लिए भरिए ना जेल, बहुत अच्छी बात होगी। 2500 रुपए धान का मूल्य दिया जाए, केंद्र सरकार भी इसके लिए कुछ करे, इसके लिए आप जेल भरिए। आप इसके लिए भी जेल भरिए कि आपने जो दो साल का बोनस देने के लिए कहा था कि दो साल का बोनस हम देंगे, तो वो क्यों नहीं दे रहे हैं? ये भी बात आप रखिए, दोनों बातें रखिए। लेकिन आप 2500 रुपए धान खरीदी की बात को एकदम नकार करके क्या दिखाना चाहते हैं? किसान ये सोचेगा कि आखिर डॉक्टर रमन सिंह की सरकार जो है, ये भाजपा जो है, राज्य की भाजपा जो है, ये आखिर करना क्या चाहती है? मोदी सरकार कर क्या रही है? तो वो तो उनके खिलाफ जा रहा है ना, पार्टी के खिलाफ जा रहा है। अब जेल भरेंगे तो किस बात के लिए भरेंगे? दो साल के बोनस के लिए भरेंगे, ये क्या बात है? दो साल के बोनस के लिए कांग्रेस ने बयान दिया है आज कि वो हम किस्तों में देने की बात किए थे, और 5 साल धान खरीदेंगे ऐसा शायद मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं कहा गया है। 5 साल हम 2500, लेकिन ये जरूर कहा है कि हम 2500 रुपए धान का मूल्य देंगे, समर्थन मूल्य देंगे। हाँ। तो वो मान के चलिए कि 5 साल देंगे, तो 5 साल देने के लिए कहाँ मना किया है? भूपेश बघेल ने तो मेरी समझदारी में तो कहीं भी मना नहीं किया है। लेकिन एक परेशानी जो आने वाली अगले साल, उसके अगले साल, उस परेशानी को दूर करने के लिए वो दबाव बना रहे हैं कि केंद्र सरकार हमारा चावल खरीदे ताकि वो पैसा आए और जो कर्ज की जगह पर हम जमा कर सके। ठीक है, कहाँ गलत है? बिल्कुल सुरेंद्र जी, चूंकि आज आप सत्ता पक्ष में तो भी सवाल आपसे बनते हैं, और विपक्ष मौजूद नहीं है तो भी आपसे सवाल ज्यादा बनते हैं। तो जिस तरीके से सुरेंद्र जी, अगर देखा जाए मैनिफेस्टो जब आपने जारी किया था, तो उसमें आपने बिल्कुल किसानों के लिए कहा था कि हम 2500 समर्थन मूल्य पर धान खरीदेंगे, तो वहां कहीं आपने नोट या मेंशन किया था कि जब केंद्र सरकार ऐसा करेगी तभी खरीदेंगे? देखिए दीपक जी, इसमें स्पष्ट बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, अभी भी इस बात पे प्रतिबद्ध है कि हम 2500 रुपए में धान खरीदी करेंगे। तो हमारी लड़ाई इस बात के लिए नहीं है कि 2500 रुपए में धान हम खरीदें ना खरीदें, इस बात के लिए लड़ाई है कि ये भारत देश में संघीय व्यवस्था है, ये नरेंद्र मोदी जी या भूपेश बघेल जी की निजी मिल्कियत नहीं है, ये देश एक कानून से चलता है, एक संसदीय प्रणाली से चलता है। बिल्कुल, ये जो धान की खरीदी किसानों से की जा रही है, ये किसी निजी फायदे के लिए नहीं की जा रही है। और उसमें जब ढील दे करके केंद्र की सरकार ने 16-17 में चावल को खरीदा, 18-19 में चावल को खरीदा, कांग्रेस ने पिछले साल 2500 रुपए में धान खरीदी किया, उसमें भी सेंट्रल पूल में केंद्र की सरकार ने चावल लिया, और आज वो मना कर रहे हैं कि आप किसानों को 2500 रुपए का भाव न दें, और आपकी ये नीति ये है कि देश की सारी पूंजी आप कारपोरेट को दे दें, और छत्तीसगढ़ के किसानों को जब मजबूत करने का प्रयास हो रहा है तो वहां की सरकार को आप हतोत्साहित करने का प्रयास करें। ऊपर से डॉक्टर रमन सिंह की बुद्धि पर मुझको तरस आता है कि वो आज इस बात को कहने की बजाय जाके अपने प्रधानमंत्री को कहना चाहिए उनको कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने 2500 रुपए दिया है, यहाँ किसानों के हालत में सुधार हुआ है, आप चावल खरीदिए, ये कहने के बजाय अपने नाकामी को, जो वादा उन्होंने 5 साल तक बोनस देने का किया था, उस वादा को पूरा नहीं किया, उस नाकामी के लिए छत्तीसगढ़ में जेल भरो आंदोलन करेंगे बोलते हैं। ये इन्होंने जो छत्तीसगढ़ में जो सर्वनाश किया है, किसानों की हालत खराब की है, आज आपको बताना चाहता हूं मैं, एक साल में 2 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है, आज छत्तीसगढ़ के बाजार में रौनक है, छत्तीसगढ़ के उद्योग में, व्यापार में चारों तरफ एक तरह से आनंद का माहौल बना हुआ है। ये सिर्फ इसलिए है कि किसानों के जेब में पैसा जाता है। अगर भारत को मंदी से उभरना है, किसानों को मजबूत करना पड़ेगा, और डॉक्टर रमन सिंह को जा करके यहाँ पर जेल भरने के बजाय दिल्ली में हमारे साथ चलना चाहिए, और जाके मोदी जी को बोलना चाहिए कि इनके धान चावल खरीदिए आपके के। बिल्कुल विपक्ष में यहाँ बिल्कुल लापरवाही विपक्ष की है, और जिस तरीके से वो रवैया अपना रहा है विपक्ष, वो वाकई
किसानों के हित में तो नहीं है, जिससे बिल्कुल जाहिर होता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, जैसे कि आपने कहा छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ केंद्र अन्याय कर रहा है, लेकिन अगर यही सोचिएगा और राज्य केंद्र के लिए सारे राज्य जब बराबर हैं, जब आप बोल रहे हैं 24 से मेरा 32 जो टन है वो धान खरीदी गए, आपने पहले तो बढ़ोतरी कर दी, ऊपर से आप कह रहे हैं बोनस है तो बोनस भी दीजिए भाई, क्यों केंद्र सरकार कल को आप 2700 कर दो तो केंद्र सरकार क्यों दे आपको भाई? दीपक जी मैं स्पष्ट कर दूं, बोनस के मांग नहीं कर रहे हम। सरकार के द्वारा जो समर्थन मूल्य है 1850 रुपया, उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट 32 लाख कुंटल चावल खरीदती है और उसकी राशि वो जो सरकार का बनता है उस हिसाब से देती है। जो 650 रुपया का जो बोनस है उस राशि को वहन छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी, वो पैसा हम केंद्र से नहीं मांग रहे। हम तो सिर्फ ये मांग रहे हैं जो धान हम खरीद रहे हैं आपका जो रेट है उसमें आप चावल खरीद लीजिए। यही एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार 2500 रुपए सरकार केंद्र सरकार से मांग रही है। ये बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हम 2500 रुपए नहीं मांग रहे हैं, हम तो ये मांग रहे हैं कि हम 2500 रुपए अपने किसानों को देंगे, अंतर राशि को हम वहन करेंगे। आप सिर्फ हमारे खरीदे हुए धान में सेंट्रल पूल का जो बनता है हिसाब किताब उसके हिसाब से आप 38 लाख टन चावल हमसे खरीद लीजिए, बस इतनी सी बात है। बिल्कुल, अगर जिस तरीके से बाबूलाल जी अगर ये देखें, क्योंकि एक दूरभाष की स्थिति यहाँ पर पैदा होने वाली है, जैसे कि अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने क्लियर किया है, अभी तक ये कहा जा रहा है कि बोनस भी गवर्नमेंट केंद्र दे, ऐसी चिट्ठी लिखी गई है, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि बोनस का हम एक पैसा भी नहीं मांग रहे हैं, जितना आप खरीदते थे जो आपका समर्थन MSP है केंद्र सरकार की उसी के तहत ही वो खरीदे। लेकिन यहाँ पर हालांकि जो 24 टन खरीदी थी मैट्रिक टन, तो वो अगर देखें लाख टन, तो अब वो 34 यानी कि पूल में थोड़ा सा बढ़ोतरी जरूर हो गई है जो उनका टारगेट है। अगर जिस तरीके से देखा जाए केंद्र सरकार का अगर यही रवैया है, अगर दूर आवास की यही स्थिति पैदा की जा रही है, तो ये तो गलत है। देखिए बोनस मांगने की बात कहीं नहीं कही गई है, 2500 रुपए में हम धान खरीदेंगे समर्थन मूल्य में कहा गया है, 1832 रुपए लगभग मेरे ख्याल से समर्थन मूल्य समर्थन मूल्य है, और बाकी का जो डिफरेंस 750 रुपए का बनता है का। लेकिन आप जो हमारा पूल में केंद्रीय पूल में जो चावल 32 लाख कर दीजिए और 32 लाख के मांग कर रहे हैं, जो एक प्रकार से जायज भी कहा जा सकता है, और अगर नहीं खरीदते 24 लाख टन तो आपको खरीदना चाहिए। अब आप कह रहे हैं खरीदेंगे ही नहीं, मतलब साफ है कि आप किस, देखिए अभी जो आंदोलन करेगी भारतीय जनता पार्टी, उसने उसको खुले तौर पर एक बात जरूर जोड़नी चाहिए, बोनस की बात तो वो करेगी, ठीक है, इनकी वादा खिलाफी है कांग्रेस की, बोनस अभी तक नहीं दिया इन्होंने दो साल का, लेकिन ये भी जोड़ दे कि 2500 रुपए में धान खरीदा जाना चाहिए और केंद्रीय सरकार जो है इसमें सहयोग करे, चावल खरीदे, ये भी कहना चाहिए उनको। बिल्कुल सही है, बात बराबर की होगी, इसमें तो किसान का नुकसान करने की स्थिति दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित जी, जिस तरीके से देखा जाए राज्य और केंद्र की उठापटक, विपक्ष भी उसमें लगा हुआ है, विपक्ष की भूमिका है, उस विपक्ष की भूमिका में वो अपना ही हित साध रहा है, और ये कहा जाए केंद्र अपना और राज्य सरकार अपना, ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि सभी के अपने अपने हित हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा उन हितों के चक्कर में किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है, अगर ये तारीख या फिर तय समय सीमा से अगर ये धान खरीदी नहीं हुई तो किसानों को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, और ये किसानों के लिए कितना ज्यादा प्रभावी है ये जो घोलमोल चल रहा है राज्य के अंदर? नहीं, किसान को तो 2500 का दाम चाहिए, और हमारे यहाँ का जो किसान है वो बड़ा निष्पक्ष किसान है, राज्य में उन्होंने भूपेश बघेल जी की सरकार बहुत बड़े बहुमत से बनाई है, तो उतने ही बड़े अंतर से उन्होंने मोदी जी को भी जिताया है, तो इतनी ही निष्पक्षता से दोनों ही दलों को किसान की बात को वजन देते हुए, उसकी आर्थिक स्थिति को वजन देते हुए, किसान को भी एक लाभकारी सौदा किसानी हो इसका हक है, और चूंकि दोनों को आशीर्वाद दिया है तो दोनों का आशीर्वाद रहे, और मान्यता मुझे तो अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि 2500 का दाम नहीं मिलेगा, क्योंकि राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कहा है कि हम 2500 का दाम देंगे। संभवतः उनकी जो कठिनाइयां हैं उसके लिए वो कुछ ये सियासत हो रही है, भाजपा की भी सियासत हो रही है, सियासत से परे हट करके, भाजपा कांग्रेस से परे हट करके किसान अन्नदाता है, और उसके कारण से ही हम अन्न पा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी वाले हों, चाहे कांग्रेस वाले हों, चाहे गैर राजनीतिक लोग हों। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए निष्पक्षता के साथ किसान का भला जरूर हो इस बात का ध्यान रखा जाए,
और आने वाले समय में स्थितियां स्पष्ट भी हो जाएंगी। ठीक है सुरेंद्र जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम नहीं मांग कर रहे हैं कुछ भी, आपको नहीं खरीदना, आपके बस का नहीं है तो अमर खरीदिए, लेकिन हमें अनुमति दे दीजिए, ऐसा राज्य सरकार कह रही है केंद्र से। लेकिन अगर अनुमति दे भी दी जाती है तो जहां पर जिस तरीके से देखा जाए 84 लाख टन समथिंग के करीब धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है, मान लीजिए कि जो खपत है वो छत्तीसगढ़ की वो 35 से 40 के बीच में है, बाकी जो धान अगर फिर खरीदा जाएगा वो कहां जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा उसका, कुछ तो सोच रखा होगा राज्य सरकार ने जब भाई ये बात के लिए। निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में हम एथानॉल बनाने के, धान से एथानॉल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, और आपको बताऊं मैं, पेट्रोल में 10% एथानॉल मिलाने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी है, और धान से चावल से बहुत ही अच्छे किस्म का एथानॉल बनता है, और उसकी कैपेसिटी अगर बन जाएगी तो एक समय ऐसा भी आएगा कि हमको चावल किसी को देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, छत्तीसगढ़ एथानॉल निर्माण में आत्मनिर्भर हो सकती है। और इस दिशा में छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्रयास भी आरम्भ कर दिया है। निश्चित रूप से हमारी जो सरकार है ये किसानों को हर हालत में मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसके लिए हम कार्य योजना बनाकर चल रहे हैं। मुझको तो आश्चर्य होता है कि माननीय डॉक्टर रमन सिंह जो बयान दे रहे हैं, उनको एक बयान देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का आदमी कोई भी 2500 रुपए किसान जो है 2500 रुपए धान का रेट नहीं लेगा। तब तो हम जानते हैं कि आप बहुत बड़े मतलब ये हैं, आप केंद्र में आप और नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख नहीं दिया, आप उसके लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, देश में बेरोजगारी हो रही उसके लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही उसके लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, मंदी छा रही उसके लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। आपको छत्तीसगढ़ में सरकार 2500 रुपए में धान खरीदी हो रही तो पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए आप आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं, आप जेल भरने की धमकी दे रहे हैं, इस बात को समझने की आवश्यकता है। आप इस तरह कदम न उठाइए, छत्तीसगढ़ का किसान बहुत अच्छी तरह समझता है आपके राजनीतिक कदम को, और पूरे सांसदों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, भारतीय जनता पार्टी ने बैठक का बहिष्कार किया। क्यों भाई, क्या हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को मजबूत करना कोई अपराध है, या इनको मदद करना अपराध है, या छत्तीसगढ़ की खुशहाली लाने की कोशिश करना अपराध है? क्या आप छत्तीसगढ़ की खुशहाली नहीं चाहते, सिर्फ अपनी खुशहाली चाहते हैं? बिल्कुल, अगर जिस तरीके से अब एक कहा जा सकता है काट निकालने की कोशिश में है बीजेपी की, दिल्ली कूच करने वाली है जब कांग्रेस, तो ऐसे में वो जेल भरो आंदोलन और मैनिफेस्टो जलाने की बात और अन्य मुद्दों को जो वादे किए गए थे मैनिफेस्टो में उसको जनता के सामने रखने की बात कर रहे हैं, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? दिल्ली कूच फिर भी कांग्रेस करेगी? निश्चित रूप से, अभी जो हमारी कार्य योजना है उसके हिसाब से हम दिल्ली जाएंगे, और 13 तारीख को बड़ी तादाद में किसान लोग जगह जगह तैयार हो रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं दीपक जी, आपके चैनल के माध्यम से किसानों में बहुत गुस्सा है। किसानों को पहली बार लगा है छत्तीसगढ़ बनने के बाद कि किसी सरकार ने हमारी सुध ली है, हमारे फसल का कुछ कीमत मिला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले चुनाव में वादा किया था, वो भी अपना घोषणा पत्र खोल के देख लें कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी, किसानों के फसल की 1.5 गुना कीमत दी जाएगी। उसका इंतजार करते करते लाखों किसान फांसी पर लटक गए, लाखों लोगों ने जहर खा लिया, तब किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज छत्तीसगढ़ की सरकार ने 2500 रुपए धान का मूल्य दे करके छत्तीसगढ़ के किसानों के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा किया है, और आज इस खरीदी में जो भी व्यक्ति व्यवधान पैदा करेगा, जो भी राजनीतिक दल व्यवधान पैदा करेगा, उसके प्रति किसानों में बहुत गुस्सा है, और छत्तीसगढ़ के किसान भारी तादाद में 13 तारीख को जाने को तैयार है। केंद्र सरकार अगर अपने इस कदम को वापस ले लेती है तो शायद हम अपना आंदोलन भी वापस ले लें। हमको दिल्ली जाने का शौक नहीं है, 2-2 दिन परेशान, 4-4 दिन परेशान होने का शौक नहीं है, मगर सवाल यह है कि जब बात जंग की आ जाए, जब जरूरत हो जाए संघर्ष करने की किसानों के लिए, तो पीछे हटने का सवाल भी पैदा नहीं होता। ठीक है बाबूलाल जी, जिस तरीके से देखा जाए, पहली बात जब सांसद मीटिंग में नहीं पहुंचे तो एक छवि जो है उस सांसदों की कहीं ना कहीं खराब हुई, क्योंकि सांसद वो थे जिन्हें उन्हीं किसानों ने जिताया था और अपनी बात पहुंचाने के लिए लोकसभा में उन्हें रखा था, लेकिन वो देखा जाए तो नहीं पहुंचे। भले ही आप पहुंचते उसके बाद अगर आप कोई एक्सक्यूज देते तो चलता, लेकिन आप पहुंचे ही नहीं, ये सबसे बड़ी विडंबना वाली बात थी कि पता नहीं क्यों नहीं पहुंचे, हालांकि उनका एक्सक्यूज भी बड़ा तर्कसंगत लगता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अब अगर कोई भी बड़ा नेता, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री से बात की जाए, किसी से भी, उनके पास सिर्फ एक ही एक्सक्यूज होता है कि जब आपने मैनिफेस्टो किया था तो क्या केंद्र का जिक्र किया था, तो इसके अलावा उनके पास दूसरा कोई कारण नहीं बता पा रहे हैं कि वो धान क्यों केंद्र नहीं खरीदना चाहती है।
तो जाहिर सी बात है ये छवि इस तरह से अगर अभी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है, बीजेपी अपनी छवि पर पट्टा क्यों लगाने पर तुली है? दीपक जी, इसमें जो राजनीति दिखती है इसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि किसान के पास जो कुछ भी दृश्य जा रहा है दोनों पार्टियों का, उसमें यही जा रहा है कि भाई भूपेश बघेल हमारे लिए लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे खिलाफ बात कर रही है। तो वो जो है दो साल के बोनस का एक प्लस पॉइंट जरूर है इनका कि दो साल का बोनस देने की मांग कर रही है किसान के लिए, वो किसान के फायदे की बात कह रही है। तो जब तक आप 2500 रुपए का समर्थन नहीं करेंगे तब तक आपकी वो बोनस की जो मांग का विरोध है वो फ्लॉप जैसा हो जाएगा। एक सबसे बड़ी चीज है, देखिए सरकार इससे चिंतित है कि इस बड़े कर्ज की स्थिति जो बनेगी, हर साल कर्ज लेकर लेना कठिन है, बहुत कठिनाई पैदा होगी। जो कर्ज बढ़ रहा है उसका हम कैसा कर पाएंगे, जब चावल पूल में नहीं लिया जाए केंद्रीय पूल में उसका पैसा नहीं आएगा तो हम कर्ज कितना तक बढ़ाएंगे। दूसरी चीज, चावल जो रहेगा हमारे पास स्टॉक में उसका हम करेंगे क्या, उसकी बर्बादी निश्चित है और आर्थिक स्थिति यहाँ की डावाडोल हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी शायद यही चाहती है, भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार भी चाहती है और राज्य भाजपा भी चाहती है कि हर हाल में जो है ये 2500 में धान न खरीद सके ताकि इनकी राजनीति फेल हो और यहाँ पर जो है फिर से भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो। ये राजनीति दिखती है सरासर, इसमें किसान को दोनों पार्टियों ने एक किनारे करके जो है अपने अपने ढंग से अपनी राजनीति कर रहे हैं, जिसमें जो है भूपेश बघेल की राजनीति जो है वो किसान के पक्ष में जाती दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसका संदेश ये जा रहा है कि ये हमारे पक्ष में नहीं है। जाहिर बात है नुकसान होता है, जो संदेश जा रहा है वो यही जा रहा है। निश्चित जी, जिस तरीके से देखा जाए कि जनता के अंदर किसानों में तो रोष है ही है, बाकी जनता के अंदर कितना रोष है क्योंकि जिस तरीके से वो भी इस पूरे तमाशे को देख रही है और रोज नित नए जिस तरीके से चल रहे हैं कार्यक्रम वो भी देख रही है, तो जनता के ऊपर ये किस तरीके का प्रभाव डाल रहे हैं और दोषी आखिर जनता कैसे मान रही है? जैसे कि अभी कहा कि मैसेज, हालांकि बीजेपी का साफ तौर पर नहीं जा रहा है जिस तरीके से जाना चाहिए तो पार्टी हितेशी के रूप में, क्योंकि विपक्ष में अगले साल उन्हें भी आने की कोशिश करनी है 5 साल बाद, लेकिन वो तैयारी उनकी इसी पर बट्टा लगा रही है, तो जो मैसेज जा रहा है जनता में वो किस तरीके का जा रहा है बीजेपी के लिए? देखिए, किसान तो अभी किसानी में व्यस्त है, बहुत सारे लोगों की फसलें पक रही हैं तो वो तो चर्चा में जरूर है विषय, लेकिन ये फाइनल इसका निकल के क्या आता है, इस पूरे सियासी एक भूचाल का निकल के क्या आता है उस पे जनता का मत तय होगा। यदि कांग्रेस इतने सारे संघर्षों के बाद भी 2500 रुपए देती है जैसा कि वो देती दिख रही है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को इसका लाभ होगा, अगर आप सियासी बात पूछ रहे हैं तो। और अगर वो असफल होती है तो कांग्रेस को इसका नुकसान होगा। अभी केवल ये लड़ने का, किसानों के लिए लड़ने का विषय नहीं है, जो सत्ता में बैठा होता है उसकी पहला, उसका पहला दायित्व है, ये भी किसान मानते हैं और उन्हीं के वादे पे उनको समर्थन किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी से भी उनकी अपेक्षा ये है कि उनको बहुत बड़े मत से जिताया है यहाँ के किसानों ने, छत्तीसगढ़ के किसानों ने, तो वो हमारे प्रति, किसानों के प्रति या छत्तीसगढ़ के प्रति सद्भाव रखें, ये अपेक्षा जरूर है। अगर इसमें कहीं कोई कमी आएगी तो इसका नुकसान निश्चित तौर पर बीजेपी को होगा, ये थोड़ा सा लेकिन अभी समझने और देखने का विषय है। अभी तो दोनों राजनीतिक दलों के लोग ज्यादा सक्रिय हैं और बुद्धिजीवी लोग सक्रिय हैं, किसान थोड़ा सा किसानी में व्यस्त है अभी। बिल्कुल सुरेंद्र जी, अगर जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, अगर नहीं केंद्र खरीदता है, क्योंकि केंद्र की या फिर वहां के सांसदों या बीजेपी की जिस तरीके से इमेज बननी थी वो बन चुकी है, अगर आप फिर भी केंद्र से पैसा ले आते हैं तब भी आप ही की बड़ाई होगी, केंद्र पैसा दे भी देता तब भी उसकी बड़ाई नहीं होगी, कहा यही जाएगा कि कांग्रेस केंद्र के मुंह से वो पैसा खींच के लाई है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है, केंद्र ने ये तो समझ लिया है कि अब लगनी मेरी है जिस तरीके से भी लगे, और लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अब कांग्रेस अगर केंद्र सरकार वो नहीं लेता है, अगर कौन सा केंद्र सरकार वो पूर्ण जो धान है वो नहीं लेता है, तो यहाँ पर किस तरीके की कांग्रेस को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का जो बट्टा लगना था वो लग चुका है। अब सवाल ये खड़ा होता है वो देवे दे तब भी और नहीं दे तब भी, अब पूरा दामोदर कांग्रेस पर है। चुनौतियों का तो बहुत बड़ा सामना करना पड़ेगा और उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार तैयारी भी कर रही है। ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि केंद्र पैसा दे न दे, चावल खरीदे न खरीदे, हम तो 2500 रुपए में किसानों का धान खरीदेंगे। धान खरीदने की पूरी तैयारी हो चुकी है, 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो जाएगा, इसकी पूरी व्यवस्था हो चुकी है और बहुत बड़ी तादाद में किसानों का पंजीयन हो चुका है और धान खरीदी तो निश्चित रूप से होगी।
जहां तक चुनौतियों का प्रश्न है तो क्षेत्र की जनता के लिए, देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए जो चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा उसको हमारे साथ किसान भी रहेंगे, छत्तीसगढ़ की जनता भी रहेगी और हम सब मिलजुल करके उन परिस्थितियों का सामना करेंगे और निश्चित रूप से धान चावल का जो विकल्प निकल सकता है कि उसको अन्य कौन से विकल्प में खपाया जा सकता है और क्षतिपूर्ति किस ढंग से किया जा सकता है, राजस्व की जो आपूर्ति किस ढंग से सरकार चलाने के लिए जरूरत पड़ेगी, इन सारे विषयों पर सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। और मेरा मानना यह है कि अगर नीयत अच्छी होती है, नीति अच्छी होती है, नेता अच्छा होता है तो उसके परिणाम भी अच्छे होते हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूँ आज की तारीख में छत्तीसगढ़ का नेता अच्छा है, छत्तीसगढ़ की नीति अच्छी है और छत्तीसगढ़ के सरकार की नीयत बहुत अच्छी है, इसलिए आप उम्मीद कर सकते हैं कि परिणाम भी अच्छा होगा। बिल्कुल, कहा जाता है नेकी कभी बर्बाद नहीं जाती, नेकी नेकी होती है। अभी देखने वाली बात होगी कि ये आपसी समझौते आखिर कब तक बैठता है जिससे किसानों को जल्द लाभ मिले और राज्य सरकार को भी नुकसान कोई ना उठाना पड़े। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी और साथ ही साथ हमारे साथ बाबूलाल जी और निश्चय जी आपका भी। जिस तरह से चावल या धान खरीदने पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार में जो ठनी है देखा जाए तो किसान किसी का ना, राज्य सरकार का है ना केंद्र सरकार, किसान सबका है। तो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, दोनों को ही मिलकर समंजस की स्थिति निकालनी चाहिए और जो प्रक्रियाएं चल रही थी उन प्रक्रियाओं को फॉलो करना चाहिए जिससे किसान को वो पीड़ा ना उठानी पड़े, क्योंकि 6 महीने की मशक्कत के बाद वो धान को उगाता है और वो उसका मूल्य चाहता है। हमारी इस खास के पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।